हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने लेसन नंबर 10 में जैव रसायन का थर्ड जैव अणु एंजाइम के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। एंजाइम मुख्यतः जैविक अणु होते हैं जो सरल संयुक्त व प्राकृतिक प्रोटीन के बने होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। क्या बात की मैंने आपसे? सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं और प्राकृतिक क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसमें भाग लेंगे ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। किसकी तरह? विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह। किसकी तरह करते हैं? विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह, या कहेंगे जैव उत्प्रेरक की तरह। बात क्लियर है? सरल संयुक्त प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। किसकी तरह? विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह, या कहेंगे जैव उत्प्रेरक की तरह। क्या कहलाते हैं बेटा? एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम को इससे खमीर से प्राप्त किया गया। इससे प्राप्त किया गया? खमीर से प्राप्त किया गया। और खमीर को इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। और ग्रीक भाषा में, इस भाषा की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीक भाषा में जो एंजाइम है उसका ईएन का मतलब होता है इन, इनका मतलब अंदर, राइट। और जो बचा आपका जाइम्स, इसका मतलब होता है आपका ईस्ट। मतलब क्या हुआ? ईस्ट के अंदर सबसे पहले क्या पाया गया? आपका एंजाइम पाया गया। क्लियर? तो सरल संयुक्त प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह या जैव उत्प्रेरक की तरह। ऐसे कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। सबसे पहले कहा निकल गया? खमीर में। खमीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईस्ट। और ग्रीक भाषा में ईएन का मतलब होता है इन, अंदर। और जाइम्स का मतलब होता है ईस्ट, मतलब ईस्ट के अंदर पाए जाने वाले कहलाते हैं आपके एंजाइम कहलाते हैं। बात क्लियर है? अब बात आती है आपके एंजाइम के वर्गीकरण की। इसकी बात आती है एंजाइम के वर्गीकरण की। एंजाइम के वर्गीकरण को अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग, बात करेंगे अपन एंजाइम का वर्गीकरण किसने किया? अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग, एंजाइम आयोग के द्वारा कितने वर्गों में बांटा गया? टोटल 6 वर्गों में बांटा गया। इसके आधार पर, उनके कार्य के आधार, इसके आधार पर कार्य के आधार, एंजाइमों को अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने कार्य के आधार पर कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया। क्लियर? और नामकरण में इनमें अपन क्या जोड़ देते हैं? एसी, एज अनुलग्न जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एज अनुलग्न जोड़ा जाता है। जैसे माल्टेज हुआ, लाइपेज हुआ, अधिकतर एंजाइम में क्या लगा दिया जाता है? एज अनुलग्न लगा दिया जाता है। अब बात करें अपन इन 6 वर्गों की। इसकी बात करें अपन 6 वर्गों की बात करेंगे। देखिए बच्चों, एंजाइम वर्ग,
और किसकी अभिक्रिया की प्रकृति या कहेंगे कार्य की बात करेंगे, एंजाइम वर्ग अभिक्रिया की प्रकृति या कार्य। नंबर एक की बात करते अपन, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस की वर्ग का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या सेस बोल दो जेस बोल दो, कौन से अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचय अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं आपके इस वर्ग के कहलाएंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वर्ग के एंजाइम कहलाएंगे। क्लियर। दूसरी बात करते हैं अपन हाइड्रोलेसिस, कौन से हाइड्रोलेसिस यहां पर कहेंगे कौन सी क्रिया जल अपघटन की, कौन सी क्रिया जल अपघटन है। क्लियर। कौन सी क्रिया होगी आपकी जल अपघटन क्रिया, हाइड्रोलेसिस एंजाइम में कौन सी क्रिया होगी आपकी जल अपघटन क्रिया। नेक्स्ट है आपका कौन सा आइसोमरेसिस, आइसोमरेसिस कौन सा है आइसोमरेसिस हो गया आपका समावेवीकरण में, इसमें समावेवीकरण में, इसमें हो गया बेटा समावेवीकरण में। नंबर चार जो है आपका, नंबर चार कौन सा है, नंबर चार है आपका लाइसेस, कौन सा है आपका लाइसेस, ये है आपका समूह के हटने में, कोई भी समूह है पदार्थ का समूह के हटने में, इसकी बात कर रहे हैं अपन समूह के हटने में। क्लियर। तो ये वर्ग हो गया आपके ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, मतलब ऑक्सीजन अपचयन करने वाले एंजाइम किसमें आएंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जल अपघटन करने वाले किसमें आएंगे हाइड्रोलेसिस, समावेवीकरण करने वाले किसमें आएंगे आइसोमरेसिस, और समूह के हटने में मतलब किसी पदार्थ में से कोई समूह हट रहा है वो किसमें आएंगे आपके लाइसिस। क्लियर। और नंबर पांच अपन बात करें ग्लाइगेसेस की बात करेंगे अपन ग्लाइगेसेस, और जो एटीपी होता है ऊर्जा एटीपी के साथ युग्मन क्रिया क्रिया में युग्मन क्रिया एटीपी के साथ युग्मन क्रिया में। क्लियर। अब नंबर छह बचता है आपका, वो नंबर छह है ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेसेस बोल दो या फरेजेस बोल दो कोई दिक्कत नहीं, पदार्थों के विनिमय, पदार्थों के विनिमय इसमें काम आएंगे बेटा, पदार्थों के विनिमय ट्रांसफरेजेस पदार्थों के विनिमय। नंबर एक ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऑक्सीजन अपचयन करने वाले वर्ग होगा, हाइड्रोलेसिस जल अपघटन क्रिया वाला वर्ग होगा, आइसोमरेसिस समावेवीकरण वाला होगा, लाइसेस समूह के हटने में जो क्रिया होती है वो वाला वर्ग होगा, लाइगेसेस एटीपी के साथ युग्मन क्रिया में होगा, और आपका ट्रांसफरेसिस पदार्थों के विनिमय करने वाले वर्ग में ऐसे एंजाइम आएंगे। इस तरह से टोटल आपके कितने छह वर्ग होते हैं, इन छह वर्गों में आपके बहुत सारे एंजाइम आते हैं, उनको अपन अब आगे एंजाइम की जो कार्य है उसके आधार पर आपको मैं यहाँ पर कुछ एंजाइम के बारे में बताऊंगा। जैसे आपके पास में लिखे हुए हैं टाइलिन एंजाइम है, माल्टेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलोक्सिन है, ट्रिप्सिन है, डीएनए आरएनए वाले एंजाइम है, इन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे।
कहां पाए जाते हैं और कार्य क्या करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका एंजाइम का कार्य। तो टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाएगा, लार में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा आपका, लार में पाया जाएगा। कार्य क्या करेगा, पॉलीसेकेराइड को पढ़ चुके अपन, ये आपकी एक शर्करा होती है, पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित करता है। पॉलीसेकेराइड से कहां गए अपन, डाइसेकेराइड में। माल्टेस एंजाइम आंत रस में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, जो माल्टोस को ग्लूकोज में। ये डाइसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन उदर जठर रस में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। लाइपेज उदर जठर रस में पाया जाता है, जो वसा को वसे अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसा को वसे अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। एमाइलोक्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है, जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित करता है, पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन ये भी अग्नाशय रस में पाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। अब बात आती है आपकी कौन से डीएनए आरएनए वाले, तो यहां पर अपने पास में जो एंजाइम होंगे वो कौन से होंगे, ये नंबर 7 वाले देखो आप, डी ऑक्सी राइबोसेस राइबोएज और राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, जो आपके शर्करा होती है, इन शर्कराओं इसमें पॉली देखिए बेटा, नंबर 7 वाला जो होता है वो किससे संबंधित, आपका डीएनए आरएनए से संबंधित होता है। ये होगा आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, कौन सा होगा ये, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, राइट। और एक होगा आपका राइबो न्यूक्लियस, कौन सा होगा आपका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस और राइबो न्यूक्लियस, जो डीएनए और आरएनए को किसमें न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात कर रहा है आपका, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में चेंज करता है, न्यूक्लियो टाइट श्रृंखला, इसमें न्यूक्लियो टाइट श्रृंखला में परिवर्तित करता है। ये थे आपके एंजाइम के कार्य। तो आज की क्लास में अपन ने एंजाइम का परिचय, एंजाइम का वर्गीकरण और एंजाइम के कार्य पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट्स।